सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें सारे। पगड़ी लगा के सम्मानित करें। अब मैं हाजी यूसुफ साहब को बोलूंगा, हमारे जो जैनिंग के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, बड़े भाई बनलमल बनकुटिया जी को भी पगड़ी से सम्मानित करेंगे। तो यूसुफ हाजी जी जो जम्मू कश्मीर के एसटी के प्रधान हैं, उनको पटका पहना के हमारे जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अरविंदर रैना जी जिंदाबाद, अरविंदर रैना जी जिंदाबाद, अशोक भाइयों से भारतीय जनता पार्टी भारतीय विभाग के इंचार्ज है, उनको मैं निवेदन करता हूँ कि स्टेज पे आए, वो स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जी जो पंच है गुज्जर कॉन्फ्रेंस के, वो तालियों से स्वागत करें उनके। महाबा इकबाल अख्तर भी इधर देखो, अख्तर इस तरफ, अब्दुल गनी नजीर, जोरदार तालियों से। हमारे शबीर सरपंच जो उस्मान चौधरी जी हैं, वो भी स्टेज पे आ जाए, जो यूथ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो भी आ जाए स्टेज पे। रैना साहब इनको इनको सर ये बच्चे जिनके नाम से आज की महफिल सजी है, जिनके नाम से आज की ये जो रौनक यहां भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आई है, जनाब हाजी यूसुफ साहब उर्फ जिनको मजनू साहब के नाम से बुलाया जाता है, मैं जनाब मोहतरम हाजी यूसुफ साहब जो कि जिला रामबन के रहने वाले हैं, और इनके साथ साथ तमाम जो हजरात जिन्होंने यहां आज भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की है, वो चाहे रामबन के हों, मैं देख रहा हूं अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, पुंछ, रजौरी, जम्मू, सांबा, यहां से हमारे जो गुजर बकरवाल भाई बहन यहां पहुंचे हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं, आपका वेलकम का। मेरे साथियों, हमें इस बात की खुशी है कि यहां पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त जॉइनिंग्स हो रही हैं, जबरदस्त तरीके से यहां लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, गद्दी हैं, सिप्पी हैं, जम्मू के डोगरे हैं, हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूं कि बड़ी तादाद में हमारे गुज्जर बकरवाल कबीले के भाई बहन आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो हमारे भाई बहन हैं, इनकी खिदमत के लिए काम किया है हमेशा। कौन सी जमात है जिसने कभी गुजर बकरवाल की बात हो, मैं नाम पूछता हूं। लोग आते रहे, इलेक्शंस में वोट होते रहे,
गुजर बकरवाल ने चादरें भर भर के वोट, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कभी कांग्रेस, कभी पीडीपी, अलग अलग जमातों को हमेशा गुजर बकरवाल कबीले के लोगों ने वोट दिए। दिए के लिए दिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक एक वोट नहीं, चादरें भर भर के गुजर बकरवाल कबीले ने वोट दिए, लेकिन जिनसे गुजर बकरवाल ने, जिन सियासी जमातों से माजी में वफादारी की गुजर बकरवाल ने, सिले में क्या मिला? गद्दारी, धोखा, नाइंसाफी। आज मैं पूरे जम्मू कश्मीर में जाता हूं, रजौरी हो, बुद्दल, कोटरंका, खुआरी, गुजर बकरवाल बसा 57-70 साल गुजर बकरवाल दबाया हुआ था, हुकूमत किसकी थी? इत जम्मू कश्मीर में कदे भी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर नहीं रहा, इत चीफ मिनिस्टर थो नेशनल कॉन्फ्रेंस को। जनाब मोहतरम, अब मैं नाम लूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, तुमने पता ही है, आज है इलेक्शन में हमने वोट दे, बाद में गुजर बकरवाल को सताया गया। अब मैं जाता हूं कश्मीर,